चाहिए हमें इंदिराज, सब कुछ हो गया, राम मंदिर पूरा बन गया, आर्टिकल 370 हट गई, जो कह रहे थे फारूक अब्दुल्ला महबूब मुफ्ती कह रहे थे 300 मोदी पे तो नहीं हट सकते, हटा के दिखा दिया, एक सिंगल मच्छर मारा गया। या चाहे मंत्री हो चाहे पार्षद हो चाहे विधायक हो, सबका मुद्दा एक ही बन गया है, मोदी से वोट मांग रहे हैं। मोदी से वोट मांगने से कुछ नहीं होगा, मेरा मुद्दा अलग है, इसका मुद्दा अलग है, उसका मुद्दा अलग है। जो सरकार अपने आप में ये कह रही है कि हमने बहुत विकास किया है, विकास कहाँ है, विनाश ही विनाश दिखता है हमको। तो अरविंद केजरीवाल जी ने महान ईमानदार कठोर ईमानदार व्यक्ति जेल के पीछे लड़े हुए हैं, और उनसे हाथ मिलाया किसने, कांग्रेस पार्टी ने, चोर चोर मोसेरे भाई, कांग्रेस ही हो तो सफाई। लल्लूराम.com के खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में आप सभी का स्वागत है। देश में चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, और हर कोई प्रत्याशी चाहता है कि उसे जीत का स्वाद चखने के लिए मिले, लेकिन ग्वालियर की मशहूर पाव भाजी को लेकर और उसके स्वाद को चखने के लिए काफी लोग पहुंचते हैं, और यही वजह है कि हम इनके बीच में पहुंचे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीत का स्वाद किसे चखने के लिए मिल सकता है, किस तरह की तस्वीर इस वक्त चुनावी माहौल में देखने के लिए मिल रही है। देखिए, आज लोकसभा का चुनाव है वो पूर्ण रूप से रोजगार पर पे, क्योंकि ग्वालियर में जितना भी चंबल संभाग में है सबसे ज़्यादा पलायन किए जा रहे हैं, यहाँ से लोग कहीं बेंगलोर जा रहे हैं, कहीं दिल्ली जा रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से किसानों के बीच में जाते हैं तो पूरी तरह से आवारा पशुओं के कारण काफ़ी परेशान है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए। लगातार अपने घोषणा पत्रों में कहते हैं कि हम तार फेंसिंग कराएंगे, हम गौशाला खोलेंगे, लेकिन आज दिनांक तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा मुद्दा, जिस प्रकार से एक मजदूर आदमी है, ये लगातार इनसे अवैध वसूली नगर निगम के माध्यम से पुलिस के द्वारा जो होने जा रही है, जो लगातार ग्वालियर में ये है, तो ये भी इससे ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा, चंबल संभाग में सामाजिक न्याय का मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि जब तक लोगों की हर व्यक्ति की हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक ये चुनाव में पूरी तरह से, जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास मोदी जी बोलती हैं, ये पूरी तरह से खोखला साबित होने जा रहा है, क्योंकि हिस्सेदारी के नाम पर जीरो बना हुआ मध्यप्रदेश। लोगों की क्या स्थिति रहेगी वो आने वाला वक्त तय कर देगा, और यही वजह है कि लोग प्रत्याशी जो हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, वो जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत का स्वाद हम ही चखेंगे। पावभाजी चख ली आपने? बिल्कुल, पावभाजी चख ली, और जीत का स्वाद भी ऐसे व्यक्ति के, ऐसे प्रत्याशी के सर सजने वाला है जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो क्षेत्र की गरीबी को मिटाने की बात करेगा, तमाम ऐसे मुद्दे, जो किसानी की बात करेगा। ग्वालियर किसान आंदोलन का एक बड़ा गढ़ रहा है, तो जो उस आंदोलन के समर्थक के समर्थन में आएगा, जो किसानों की बात करेगा, वो इस जो राजनीति का स्वाद चखेगा। और आपके माध्यम से एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चूँकि मध्य देश का जो चुनाव है, हमारा लोकसभा का जो चुनाव है, वो प्रेसिडेंशियल मोड ना होते हुए पार्लियामेंट्री मोड है, और ग्वालियर की जनता जिस को समझ चुकी है कि अब हमें पार्लियामेंट्री बोर्ड में वोट देना है, जो ग्वालियर से चुन के जाएगा वो व्यक्ति चुन के जाएगा जो अब हमारी बात करेगा, ना कि मोदी की बात करेगा, कि मोदी की गारंटी की बात करेगा, जो किसानों की बात करेगा, जो बेरोजगारों बेरोजगारी की बात करेगा, बेरोजगारी भगाने के लिए वो अब चुन के जाने वाला है। जनता उसी चुनती है जो उनके काम करता है। स्वाद लेने के लिए तो लोग जो है वो ठेलों पर दुकानों पर पहुंच जाते हैं और जायकों का स्वाद लेते हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रसूखदार लोग जो रहते हैं, या कहें प्रत्याशी, जब धरातल पर उतरते हैं तो जनता के बीच पहुंचते हैं, कहते हैं आपके लिए ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तो वो काम ग्वालियर में हुआ है? बहुत काम हुआ भैया। कौन सा काम नहीं, आप बताएं, यहाँ की सड़कें देख, ग्वालियर के देख लें आप, यहाँ से लेके पूरे पूरे शहर नाप लें आप, सारी सड़कें एक नंबर दूसरी सड़कें बनी हुई हैं, सीवेज बढ़िया है, टाइम से पानी मिल रहा, टाइम से बिजली मिल रही है, हर चीज़ जो व्यवस्था जो आदमी को चाहिए व्यवस्थित सब मिल रहा है, कहाँ कमी आ रही है बताइए ना आप। जो व्यक्ति कहता है ये काम नहीं वो काम नहीं, भैया आप एक आप लेटर लिख के लाएंगे, आप कम से कम लेटर लिख के लाए ना आप, बताएं। ग्वालियर लोकसभा में बदलाव हुआ है या नहीं? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है लोकसभा, जब से 2014 सरकार मोदी जी की बनी है, ग्वालियर जो ना बैकवर्ड एरिया था पहले, आज ग्वालियर एजुकेशन हब बन चुका है, ग्वालियर विकास का एक मसीहा बन चुका है, आप जाके देखिए और तुलना कीजिए, इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं, इतने रेलवे ओवरब्रिज बन रहे हैं, इतने सारे इतना सारा डेवलप हो रहा है ग्वालियर में, आप जाके देखें सर, जाके देखें, आप जाके अपना कैमरा घुमाए सब जगह जाके। ये तस्वीर सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के प्रयास से है कि लेकिन जिनने जनता को चुना उनने भी वाकई में काम किया है? जिसने जनता को चुना उसने भी काम किया, और जिस पूरे देश ने जनता को चुना उसने भी काम किया, दोनों के प्रयास से काम हुआ है, मिले जुले जो कहते हैं यहाँ का सांसद, वहाँ का मंत्री, वहाँ की पीएम, यहाँ के सांसद, सबने मिलकर काम किया, ग्वालियर में बहुत विकास हुआ, विकास की कोई कमी नहीं है, हर व्यक्ति यहाँ खुश है, और दोबारा ही बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा, 100% जीतेगा और आएगा। तो फिर क्या क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं जब सब कुछ पूरा हो जाएगा? तो फिर मुद्दे रहेंगे हिंदू राष्ट्र,
चाहिए हमें निराश, सब कुछ हो गया, राम मंदिर पूरा बन गया, आर्टिकल 370 हट गई, अब क्या चाहिए और क्या चाहिए। जो कहते थे फारूक अब्दुल्ला महबूब मुफ्ती कहते थे कि 300 मोदी बयान तो नहीं हट सकते, हटा के दिखा दिए, एक सिंगल मच्छर मरा गया, बताइए आप, सिंगल व्यक्ति मरा गया, आगजनी हुई गया, खून की होली हुई गया, जो कहते थे आग लगा देंगे। तो क्षेत्रीय मुद्दे नहीं राष्ट्रीय मुद्दे चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदुत्व की विचारधारा चाहिए, हमें हमारे बच्चों का हमारा सही भविष्य चाहिए, कल हम होना बच्चे सेफ रहेंगे ना। तो क्या क्या मतलब देश के अंदर क्या डर का माहौल है जो भाई साहब कह रहे हैं कि सेफ माहौल चाहिए, सुरक्षित माहौल चाहिए? नहीं, क्या मोदी क्या सालों से राजनीति करता हुआ आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है, अपना आदमी हमेशा अपने को ही समर्थन देता है, या चाहे मंत्री हो चाहे पार्षद हो चाहे विधायक हो, सबका मुद्दा एक ही बन गया है, मोदी से वोट मांग रहे हैं। मोदी से वोट मांगने से कुछ नहीं होगा, मेरा मुद्दा अलग है, इसका मुद्दा अलग है, उसका मुद्दा अलग है। आज मैं व्यक्ति युवा है तो आपके क्या मुद्दे हैं? मैं आज आपको व्यक्ति विशेष की बात करता हूँ, आज अपन जिस विधानसभा खड़े हैं उस विधानसभा के मंत्री जी की बात करता हूँ। मेरे को आज से 10 साल पहले करंट लगा, समझना, मेरे को करंट लगा तो उस करंट से लेकर आज तक वो मेरे घर के सामने जो हाई टेंशन लाइन थी वो आज तक नहीं हटी। तो मुद्दा क्या रहना है, 10 साल पुराना वाला रहने वाला है या 10 साल आगे वाले भविष्य को ध्यान में रखे रहने? भविष्य को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, नए खम्भे लगे हुए हैं, आज भी वो खम्भे 15 दिन पड़े हुए हैं। मंत्री एक बार के तो है नहीं, 3 बार के मंत्री, 2 बार के मंत्री रह चुके, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, अभी तक क्यों नहीं हुआ? सांसद की बात करी जाए, देखो ये सेंट्रल का चुनाव है, इसमें आप रोजगार की भी बात करेंगे, महिलाओं के हित की भी बात करेंगे, अलग प्रकार के सब मुद्दों की बात करेंगे, मुद्दे कई हैं पर उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र की राजनीति करनी है। वो सही बात है कि उसके नाम की राजनीति करो, पर इस प्रकार भी मत करो कि सारे मुद्दे आप भूल जाओ। कई विषय रहते हैं, चुनाव का वक्त है, लेकिन चुनाव के इस दौर में, इस पूरे माहौल में एक मुद्दा बड़ा गरमा रहा है, वो है धर्म। धर्म को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, डिमांडें होने लगी हैं, राजनेता बयान दे रहे हैं, पीछे से पलटवार हो रहा है, आप स्वाद ले रहे हैं पाव भाजी का, इस बीच अचानक से आपको खबर मिल जाती है कि फलाने नेताजी ने बड़ा बयान दे दिया, तो क्या लगता है आप लोगों पर असर पड़ रहा है इसका? इस पर इसका कोई असर नहीं है, और जनता 10 साल से त्रस्त हो चुकी है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और चंदे की उगाही इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो की गई है वो आप हम सब लोग जानते हैं। और यहाँ पे, यहाँ छोड़िए, जो पाकिस्तान के बात करते हैं वो पाकिस्तान की एजेंसियों से, पाकिस्तान की कंपनियों से यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेते हैं जो लोग। क्षेत्रीय मुद्दे कहाँ रहेंगे फिर? देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन जो सरकार अपने आप में ये कह रही है कि हमने बहुत विकास किया है, विकास कहाँ है, विनाश ही विनाश दिखता है हमको तो इस देश के अंदर। जिस तरह पब्लिक का मीटर कैसे घूमेगा, किस तरह घूमने वाला है पब्लिक का मीटर, जिस वास्तविकता की ओर घूमेगा, क्योंकि अभी जो फोबिया मीडिया के द्वारा, नेशनल मीडिया के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, आज इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खबर है वो एक दिन में पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। क्या लगता है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मुद्दा आम गरीब तबके का या मध्यम वर्गीय परिवार का या शिक्षित वर्ग समझ पाएगा, इस मुद्दे का असर पड़ेगा फिर क्या? देखिए, हर मुद्दे को हर व्यक्ति समझता है, और हर मुद्दा आज के समय में आप भी समझते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड है, और इस वर्ल्ड के अंदर हर व्यक्ति के पास मोबाइल है हाथ में, और हर व्यक्ति हर चीज से वाकिफ है ना। और आज यदि अपन डेवलपमेंट की बात करें तो मोदी जी ने एक बात कही है, उसको जरा गहराई से सोचे कि अगले 5 वर्ष तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसका मतलब देश में विकास अगले 5 सालों में नहीं होने वाला है, ये 80 करोड़ की उन्होंने पहले से गारंटी दे दी है कि इन 80 वाला सिस्टम बंद होना चाहिए क्या फिर? मेरा ये कहना है कि 80 करोड़ लोगों को वो कह रहे हैं कि हम ऐसे ही अगले 5 साल में बांटते रहेंगे, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, हम आपको रोजगार नहीं देने वाले, हम आपको ऐसा ही का ऐसा रहने का रखने वाले। आप है ना, जो वाली बात को आपको घुमा के कहना चाहते हो वो वाली बात मत कहो कि जनता स्वाभिमान से जीना चाहती है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था इसीलिए स्थापित की गई ताकि लोग स्वाभिमान से जी सकें, राजे रजवाड़ों को इसीलिए खत्म किया गया ताकि लोग स्वाभिमान से जी सकें। स्वाभिमान जरूरी है, और जब बात मतदान की आ जाती है तो उसमें स्वाभिमान सबसे ऊपर होता है, और स्वाभिमान में वोट डालना बहुत जरूरी होता है। अभी हमारे स्वाभिमान व्यक्ति ने ये कहा, हमारे मित्र ने ये कहा कि ये फ्री की जो व्यवस्था मोदी 80 करोड़ लोगों को फ्री बांटने वाले हैं, शुरू किसने किया भैया? अरविंद केजरीवाल जी ने, महान ईमानदार, कठोर ईमानदार व्यक्ति जेल के पीछे लड़े हुए हैं, और उनसे हाथ मिलाया किसने? कांग्रेस पार्टी ने। तो चोर चोर मौसेरे भाई कांग्रेस ही हो चाहे सपा ही, तो जनता याद रखेगी, सारे चोर इकट्ठे हो जाए, समझना राजा ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहा है, जनता की दुखी अगर देखते व्यक्ति को फ्री में राशन दे रहा है, बुरा नहीं कर रहा। कोरोना काल में राशन बांटा गया तो क्या वो मतलब वो क्या था राजनीति थी? वो लोगों की मदद करना, एक लोगों की हेल्प करना, ये कहीं से गलत चीज बता दो आप।
जो कह रहे हैं गलत चीजें उनसे हाथ मिलाते जा रहे हैं आप। बिल्कुल साफ तौर पर ये चुनावी माहौल जो है वो गर्म होता जा रहा है, जैसे तवे पर रखी हुई पाव भाजी गर्म हो रही है, उसी तरह राजनीति का मिजाज जो है वो गर्म होता चला जा रहा है। और राजनीति के मिजाज के बीच जीत का स्वाद चखने का जो दावा है वो तो नेता लोग काफी कर रहे हैं, लेकिन उस पर मोहर आखिरी जनता लगाएगी। ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, लल्लूराम.com।